आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में अपन बात करने वाले पैल वर्ल्ड के नए अपडेट के बारे में, फिर स्टारफील्ड के अपडेट की भी बात होगी, असैसिन्स क्रीड मिराज मोबाइल पे आ रहा है एंड और भी बहुत सारी न्यूज़ है, एंड तक देखने वाला बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अब रिसेंटली एक्सबॉक्स आईडी शोकेस हुआ था जिसमें पैल वर्ल्ड ने ना न्यू पैल्स अपडेट की अनाउंसमेंट की है। इस अपडेट में 4 नए पैल्स ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा 2 नए वेपन्स फ्लेम थ्रोअर एंड राइफल भी टीज की गई हैं। एंड फाइनली भाई, जिसका इंतजार था, असैसिन्स क्रीड मिराज आने वाला है मोबाइल पर इन जून। यूबीसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि असैसिन्स क्रीड मिराज iOS और iPad के लिए 6 जून को रिलीज होगा। ये iPhone 15 Pro सीरीज और iPad में अवेलेबल होगा, जो कि M1 चिप या फिर उससे ऊपर की होने वाले हैं। ऐसा पहली बार है कि यार एक असैसिन्स क्रीड गेम जो कि ओरिजिनली कंसोल्स और PC के लिए रिलीज हुआ था, अब वो iOS एंड iPad पे नेटिवली चलेगा। ऐप स्टोर पर गेम की प्री ऑर्डर चालू हो चुके हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो। माना जा रहा है कि 90 मिनट तक आप फ्री खेल पाओगे, जिसके बाद $50 यानी कि ऑलमोस्ट 4000 रुपए देकर आपको फुल वर्जन लॉक करना होगा। महंगा तो खैर यार बहुत ज्यादा है, मतलब अगर इतने देने हैं तो मैं फिर PC भी खरीद लूंगा, बट हाँ जिन पे PC नहीं है, जो iPhone वगैरह लेकर ही घूम रहे हैं, iPad या उनके लिए काम का हो सकता है। उसके अलावा हाँ, एक और चीज है भाई, जो यूजुअली रेजिडेंट ईविल विलेज या फिर रेजिडेंट ईविल 4 रीमेक आए थे, वो जितने ज्यादा एक्सपेक्टेड थे उतने अच्छे निकले नहीं मोबाइल पे। सो देखना होगा कि असैसिन्स क्रीड मिराज कैसा रहता है। फिर बात करें उन गेम्स की जिन्हें आप क्लेम कर सकते हो, तो एक्सबॉक्स ने ना मे के लिए गेम पास में आने वाले टाइटल्स को अनाउंस कर दिया है, जिसमें टूम रेडर डेफिनेटिव एडिशन, लिटिल किटी, बिग सिटी और ब्रदर्स अ टेल ऑफ टर्न्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा सिन्युआ सागा, हेलब्लेड 2 और हॉन्टे जैसे गेम्स भी होने वाले हैं। फिर PS Plus के लिए मई 2024 के फ्री गेम्स भी अनाउंस हो गए हैं, जो कि ट्यूनिक, डेस्टिनी 2 लाइटफॉल, गोस्ट रनर 2 और EA स्पोर्ट्स FC 24। जिनके पास PS Plus एसेंशियल या फिर एक्स्ट्रा या फिर प्रीमियम है, वो इन सभी गेम्स को क्लेम कर सकते हैं। फिर लास्ट गेमिंग न्यूज़ के वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइड PC और कंसोल गेमिंग की मार्केट की जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो रही है, लेकिन एक डिफरेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है और 2025 तक मार्केट के 30% ग्रो होने की उम्मीद है। इस ग्रोथ के कई मेजर रीजंस हैं, जैसे कि यंग पॉपुलेशन और बेटर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडियन गवर्नमेंट भी गेम क्रिएशन को प्रमोट कर रही है और फास्ट इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के यूज से ना मार्केट ग्रोथ को और भी बूस्ट मिलने वाला है। इन सभी रीजंस की वजह से फ्यूचर में ना इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की टॉप गेमिंग मार्केट्स में आ सकती है। तो ओवरऑल इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, बट हाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे लगता है इसमें मोबाइल ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि अभी भी काफी लोग PC एंड कंसोल्स को बहुत कम ही अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर पबजी न्यू स्टेट का 0.9.64 अपडेट डिले होने के बाद फाइनली आ चुका है, बट इस अपडेट में ना कुछ खास देखने को नहीं मिला, बस जेट पैक में कुछ इंप्रूवमेंट की गई है और इसके अलावा कुछ बग फिक्सेस वगैरह किए गए हैं। बाकी हर बार की तरह इस बार कोई वीडियो भी नहीं आई अपडेट की, क्योंकि कुछ खास था ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एक नए ओपन वर्ल्ड शूटिंग गेम की, जिसका नाम है ग्रे जोन। ये टैक्टिकल ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर शूटर है, जिसमें एक्सट्रैक्शन बेस्ड एलिमेंट्स भी हैं। जिनको नहीं पता, एक्सट्रैक्शन बेस्ड गेम्स वो होते हैं जहां आपको एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक जाकर एस्केप करना होता है अपनी लूट बचाने के लिए, अदरवाइज वापस सब लूट करनी पड़ेगी भाई। इसका अर्ली एक्सेस 30th अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और इस गेम का कॉम्पिटिशन एस्केप फ्रॉम टारकोव से हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट काफी सिमिलर है। अगर इसको देखें ना, तो एक रियलिस्टिक शूटर है जिसमें एक बड़ा ओपन वर्ल्ड है, सोलो एंड टीम रेट्स के ऑप्शन हैं, फैक्शन हैं, साथ ही आप कस्टमाइज कर सकते हो और इंटेंस कॉम्बैट मैकेनिक्स से मजे भी ले सकते हो। इसमें एक काफी यूनिक हीलिंग का फीचर भी है और सर्वाइवल के एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। सो देखते हैं कि भाई ये कैसा निकलता है। अब वॉर्जोन मोबाइल की तरफ से भाई बड़ी न्यूज आ रही है कि शायद ना उसमें TPP मोड आ सकता है, क्योंकि न्यू प्लेयर इसे ट्रेनिंग मोड में एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा पुराने प्लेयर्स के पास TPP मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा और न्यू प्लेयर्स के लिए भी ना सिर्फ ट्रेनिंग मोड में ही आ रहा है, उसके बाहर नहीं आ रहा TPP। तो ऐसा हो सकता है कि यार TPP शायद फ्यूचर में आने वाला हो। इसके अलावा गेम की फाइल्स में टर्मिनल, फार्म 18, क्रैश और हेडेट के 4 मैप्स देखे गए हैं, तो हो सकता है कि ये मैप्स नियर फ्यूचर में हमें गेम में देखने को मिले। मैप्स के साथ साथ कुछ मोड्स की डिटेल्स भी सामने आई है, जिसमें से पहला मोड जगरनॉट रॉयल और दूसरा मोड हैवक रॉयल है। फ्यूचर अपडेट्स में ये मोड्स भी गेम में आ सकते हैं। देन बात करते हैं स्टार वॉर्स हंटर्स की, जो कि एक नया मोबाइल गेम है, एंड भाई शायद 2 या 3 साल के अर्ली एक्सेस के बाद आ रहा होगा। शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, बट स्टिल इसके लिए काफी ज्यादा वेट किया है। मुझे याद है कि जब Take-Two इंटरएक्टिव ने जिंगा को एक्वायर किया था, तब मेरे को इसका ज्यादातर पता करके चला था, क्योंकि ये जिंगा का ही गेम है। स्टार वॉर्स हंटर्स एक फ्री टू प्ले टीम बेस्ड बैटल अरीना शूटर गेम है। ये 4th जून को निंटेंडो स्विच, iOS और एंड्रॉइड के लिए रिलीज होने वाला है। इस गेम में यूटोनी, ड्रॉइड जैसे 13 अलग अलग करेक्टर्स होंगे, जो कि स्टार वॉर्स यूनिवर्स पे बेस्ड है। गेम के विजुअल्स भी काफी सही लग रहे हैं और हर हंटर के पास अपना म्यूजिक थीम भी होगा। यह गेम वेस्परा प्लैनेट पर बेस्ड है और गेम में एंडोर, हॉथ और टैटूइन जैसे मैप्स भी होंगे। देन बात करते हैं एक नए इंडियन गेम की, जो कि इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू ऋषि अलवानी, जो कि गेम एनालिस्ट है, उन्होंने बताया कि यार ये जो गेम है ना, वो गरीना का एक पुणे का स्टूडियो डेवलप कर रहा है। सो एक तरीके से गरीना का पहला मेड इन इंडिया गेम है। जी हाँ, मतलब ये जो स्टूडियो है स्पेसिफिकली जिसकी बात हो रही है, ये गरीना का ही ओन करता है एंड इन्होंने इंडिया में अपना फर्स्ट गेम लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है वर्सेस, जो कि एक मोबाइल गेम है और इसका अर्ली एक्सेस स्टार्ट हो चुका है। गेम का डाउनलोड साइज 500 MB है और एक फाइटिंग गेम है, मतलब टेकन एंड स्ट्रीट फाइटर जैसा लग रहा है। ये रामायण और महाभारत पे बेस्ड है एंड अर्जुन और सहदेव
महादेव जैसे करेक्टर्स हैं जिनका यूज करके प्लेयर्स राक्षसों से फाइट कर सकते हैं। गेम में स्टोरी और पीवीपी मोड भी अवेलेबल है। इसके विजुअल सही लग रहे हैं लेकिन ग्राफिक्स हाई क्वालिटी पर सेट करने पर ना कंट्रोल्स में थोड़े से इशूज भी आ रहे हैं। बाकी लो सेटिंग में कंट्रोल्स अच्छे हैं। गेम में एनर्जी सिस्टम भी है और एनर्जी खत्म होने पर प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपको गेम का अर्ली एक्सेस मिला है तो कमेंट्स में बताओ कि भाई कैसा लग रहा है। वैसे मैंने गेम तो ट्राई नहीं किया बट हाँ, अगर ऐसे भी गेम्स बनने लग जाएं तो भाई अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। रिसेंटली पीएस के ना फर्स्ट पार्टी गेम्स का जो रेवेन्यू और डाउनलोड्स है वो डेटा ही लीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो मार्वल का स्पाइडरमैन गेम है वो टॉप सेलर रहा है और इसे पीएस स्टोर से 8.3 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया है और इसकी सेल्स रही है 315 मिलियन डॉलर्स की। गॉड ऑफ वॉर सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड टाइटल है, जो दिखाता है कि भाई 2018 सोनी के लिए काफी अच्छा रहा था, लेकिन पिछले जो 2-3 साल है भाई वो काफी ठंडे रहे हैं सोनी के लिए। मतलब 2024 में तो कोई भी सोनी का फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव नहीं आ रहा और 2023 में भी सिर्फ एक ही था स्पाइडरमैन 2, बाकी सारे थर्ड पार्टी एक्सक्लूसिव थे। यूजुअली यार नई COD गेम्स ना अगस्त या फिर सितंबर के अराउंड रिवील की जाती हैं, बट अब माइक्रोसॉफ्ट उनका ओनर बन गया है तो भाई नेक्स्ट COD बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेशल प्रेजेंटेशन अनाउंस किया जो कि एक्सबॉक्स गेम शोकेस के बाद 9 जून को होगी एंड उसमें ब्लैक ऑप्स गल्फ वॉर का रिवील होने वाला है। गेम के रिवील में हमें एक ट्रेलर देखने को मिल सकता है और इसमें सिंगल प्लेयर कैंपेन के कुछ करेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, साथ ही हमें मल्टीप्लेयर डिटेल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। गेम जब एक्सबॉक्स के साथ प्लेस्टेशन और पीसी पर तो लॉन्च होगा ही और चांसेस है कि शायद एक्सबॉक्स गेम पास पे भी आ जाए, जो कि भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं तो भाई खरीद लूंगा, वहीं से खेल लूंगा स्टोरी मोड। फिर टेकन 8 के सीजन 1 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि भाई लीडिया सोबेस्की जो कि टेकन 7 में इंट्रोड्यूस की गई थी और फैन फेवरेट बन गई थी, अब वो सीजन 2 में एज अ प्लेबल करेक्टर वापस आ रही हैं। साथ ही बैंडाई नामको ने टेकन 8 का रोड मैप भी रिवील किया है, जिसमें बैटल बैलेंसिंग एडजस्टमेंट्स, एक न्यू स्टेट सी साइड रिजॉर्ट और फोटो मोड भी आने वाला है, जिससे आप अपनी फाइट्स के आइकॉनिक मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकती है। और स्टोरी मोड में न्यू चैप्टर भी ऐड होगा जिसमें जिन कजामा और एडी की कहानी आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही ऑनलाइन प्रैक्टिस और घोस्ट वर्सेस घोस्ट जैसे मोड्स भी आने वाले हैं। फिर NFS मोबाइल को लेकर एक अपडेट आई है। गेम 31 अगस्त को चाइना में रिलीज होने वाला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गेम अर्ली एक्सेस फेज में था और चाइना में इसके प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। गेम में 40 प्लेयर्स के साथ रेस करने का ऑप्शन है, 24 आवर्स डे नाइट साइकिल और ओरिजिनल स्टोरी लाइन भी होंगी। गेम में प्लेयर्स आइकॉनिक कार जैसे कि GTR Skyline भी ड्राइव कर पाएंगे। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो भाई गेम बहुत जल्द ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। फिर मैंने मीडिया एंटरटेनमेंट ने कहा है कि टेंसेंट ने उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दिया है एंड अब टेंसेंट के पास 14.8% स्टेक है भाई रेमेडी का। भाई टेंसेंट भाई कितनी कंपनीज को खाएगा यार भाई, क्योंकि दिक्कत ये है ना, चाइनीज कंपनी है और हम इंडियंस को दिक्कत होने लग जाती है। तो चलो 14.8% फिर भी मेजॉरिटी स्टेक नहीं है, बट हाँ काफी बड़ा स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया है। साथ ही इन्होंने मैक्स पेन 1 एंड मैक्स पेन 2 पे भी अपडेट दिया है। बेसिकली आपको बताइए उसके रीमेक्स बन रहे हैं। कहा गया कि जो सेकंड हाफ 2024 का, उसके बाद से फुल प्रोडक्शन चालू हो जाएगी और इन सभी रीमेक्स का जो पूरा खर्चा है ना वो रॉकस्टार खुद फंड करने वाला है। फिर बात करते हैं फाइनल न्यूज़ की। तो भाई स्क्वायर इनिक्स ने बताया कि वो अभी तक ना 140 मिलियन डॉलर का लॉस झेल चुके हैं ड्यू टू सम कैंसल्ड गेम्स, इसलिए वो फ्यूचर में ना रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करने वाले हैं। फिर हेडीज 2 का टेक्निकल टेस्ट एंड हो चुका है और डेवलपर्स ने कंफर्म किया कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब इसके अर्ली एक्सेस जो है वो मई या फिर जून में आ सकता है, बट रिलीज को लेकर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है। फिर स्टारफील्ड गेम में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसमें सरफेस मैप्स और भी डिटेल्ड होंगे, शिप्स को डेकोरेट करने के ऑप्शंस होंगे और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे 60 FPS का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी गेम के लिए ना लैंड व्हीकल्स भी डेवलपमेंट में है एंड आप चाहो तो ये सब नए फीचर्स बीटा में टेस्ट भी कर सकते हो। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि यार स्टारफील्ड की स्ट्रीम करूं एंड शायद अभी बेस्ट टाइम होगा। देन एक नया RPG सेगा एमराल्ड बियॉन्ड ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, जो कि ओरिजिनल सागा सीरीज के जैसा ही थ्रिल और एक्शन से भरा हुआ है। गेम में कोई बिल्ट इन स्टोरी नहीं है, लेकिन प्लेयर्स अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग यूनिक स्टोरी बना सकते हैं। ये मोबाइल, स्विच, PS5 और PC के लिए लॉन्च हुआ है, सो अभी आप इसे खेल सकते हो। देन फाइनली भाई नया बैटमैन गेम अनाउंस हो गया है, बट वो एक VR गेम है। इसका नाम है बैटमैन अर्कम शैडो, जो कि मेटा क्वेस्ट 3 के लिए एक्सक्लूसिव होगा और लेट 2024 में रिलीज होगा। बाकी इसका प्रॉपर रिवील जो है वो जून 7 को समर गेम फेस्ट में होगा। सो बस यार यही था आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। अगर आपको जाना कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का डाउनफॉल कैसे हुआ तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो एंड माइनक्राफ्ट 1.20.5 में क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।